हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सबको जय माता दी, गुड मॉर्निंग। अभी अभी तो बज रहा है दिन के 12 बजने वाले। मैंने आज है मंगला गौरी का व्रत मेरा, तो मैं इसीलिए पूजा कर रही थी, तो ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं अभी पूजा कंप्लीट की हूँ और मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप सबका धन्यवाद देना चाहती थी कि आप सबकी प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 1K कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए आप सबकी। तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी वजह से मेरे 1K कंप्लीट हो गए। ऐसे ही मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज कैसे मंगला गौरी का पूजन किया। तो देखिए दोस्तों, आज मैं मंगला गौरी व्रत की हूँ। आज तीसरा मंगलवार है मंगला गौरी व्रत मेरा, सावन का तीसरा मंगलवार है और मेरा ये तीसरा व्रत है। तो देखिए मैं कैसे पूजा की हूँ। ये देखिए, ये माता गौरी, माता मंगला गौरी अपने परिवार के साथ विराजमान है। और ये 16 श्रृंगार की सामग्री, प्रसाद, ये दूध से बने क्या है, केक है शायद, हाँ सुधा का केक। और ये प्रसाद नारियल, ये गौरी गणेश मैं अपने हाथ से बनाई हूँ, सुपारी का गणेश जी और वो हल्दी की गौरी। और ये आटे का सिलवट लोड़ा बनता है, मैंने देखा था। ये 16 श्रृंगार की सामग्री मैं चढ़ाई हूँ। ऐसे मंगला गौरी में आप जितने भी लाल चीज़ चढ़ाएं वो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि माँ को लाल चुन्नी, लाल चूड़ी, लाल जितने भी चीज़ चढ़ाएं उतना बहुत ही ज़्यादा माँ प्रसन्न होती है। मंगला गौरी माता को, माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को लाल चीज़ बहुत ही प्रिय है। तो आप जितने चाहें उतने चढ़ा सकते हैं। मैं 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई हूँ। देखिए, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब चढ़ाइए। लाल चूड़ी तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बेलपत्र, फूल, लाल फूल, ये सब। ये देखिए, 16 दिए भी बना सकते हैं, या तो आप 16 मुखी एक ही दिए में चार चार बत्ती करके 16 बाती लगा के चार मुखी दिए भी बना सकते हैं। ऐसे आप चाहे तो आटे की छोटी छोटी 16 दीपक, मैं तो एक ही बड़ा सा दीपक बना के उसमें ही चार चार बत्ती करके 16 बत्ती का दिया बनाई हूँ। देखिए देखिए पास से देखिए, देखिए दोस्तों, ये भी दीपक, ये कलश में विराजमान सभी देवी देवता हैं। ये लड्डू गोपाल बजरंग बली भी हैं। तो आप सब भी व्रत कर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सावन के चारों मंगल भी कर सकते हैं, या तो फर्स्ट और लास्ट भी कर सकते हैं। इसको व्रत करने से सुख समृद्धि बने रहती है सुहागिन महिलाओं के लिए, तो और भी अच्छा व्रत है। और कुंवारी कन्या इसलिए करती हैं ताकि उनको अच्छा मनचाहा पति मिले। तो मैं भी इसी कामना को लेकर कर रही हूँ कि मुझे भी माता पार्वती जैसे पति मिले, महादेव जैसे, जैसे माता पार्वती को महादेव मिले वैसे ही मुझे भी मिले, ताकि मुझे भी उतना ही प्यार कर सके। लेकिन मैं उतनी तो लक्की नहीं हूँ माता पार्वती की जी, लेकिन माता की कृपा हुई तो ज़रूर ही मिलेंगे। माता और पिता की कृपा होती है तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकता है। तो देखिए, आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सब ज़रूर, तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता होगा दोस्त, लगता है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और आप लोग सोचते होंगे कि इतना फास्ट क्या, जल्दी जल्दी में बोलती है, तो मैं अभी नई हूँ इस यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं बोलते जाती हूँ। ऐसे मेरे घर में भी सब बोलते हैं कि ये बहुत बोलते रहते हैं, तो मैं अगर ज़्यादा तेज़ बोलती होंगी तो सॉरी, बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ।
और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मुझसे जो गलती होता हो वो गलती मैं सुधार लूँ और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट कर पाऊँ आप सबके लिए। तो आप सबने देख लिया मेरी माता जी की पूजा हो गई है, अब मैं भी पूजा करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ चाय वगैरह पीऊँगी। चाय शरबत तो पी सकते हैं, फलाहार में तो चाय शरबत पी ही सकते हैं। ये मेरी सिस्टर, ये भी नहा लिया, अभी नहावा के ये मेरा कपड़ा प्रेस कर रही थी, जब तक मैं पूजा कर रही थी तो बोली कि दीदी मैं आपके कपड़े प्रेस कर दी, मैं कह रहने दो मैं दूसरा पहन लूँगी, तो बोली नहीं यही पहनिएगा, तो ये दीजिए मैं प्रेस कर, तो प्रेस कर रही है। हेलो बोलो सबको। और मेरी मम्मी भी फास्टिंग है, तो मेरी मम्मी पूजा वगैरह करके यहाँ पे बैठी है, अभी मैं चाय बनाऊँगी तो चाय शरबत हम लोग पियेंगे, शाम को फलाहार करेंगे, अभी बस चाय पियेंगे। और आज का मौसम देखिए, सुबह से बहुत बारिश हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकलने जा रहा है, देखिए हमारे ये देखिए शहर का मौसम, देखिए हमारे शहर का मौसम। हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, बड़ अमरूद सो तो सब ख़त्म ही हो गया, क्योंकि पहले ही पक गया सब। ये मेरा विष्णु भगवान, मैं यहीं पे केले के वृक्ष में पूजा करती हूँ। ये मेरी तुलसी मैया, ये मेरा बेलपत्री का पेड़, यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ सावन में कभी कभी। ये मेहंदी का पेड़ है और ये भी कुछ फूल का ही पेड़ है। ये मेरे महादेव विराजमान है, शनि का पेड़, सब कुछ का पेड़ लगा रखा हमने, सब चीज़ पूजा कर। बारिश हुआ, हरियाली, पूरी हरियाली हरियाली है हमारे घर में, देखिए पपीते का पेड़, पूरी हरियाली है। मम्मी मेरी इंतज़ार कर रही है पूजा करके। मम्मी हेलो बोलो सबको, यूट्यूब फैमिली को बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए दोस्तों बने रहिएगा ऐसे ही चैनल में। हो गया चिंदा प्रेस? हाँ। चलो ठीक है, प्रेस कर दी तो अच्छा है, अब मैं पहन लूँगी यही ड्रेस फिर क्या। तो देखिए दोस्तों मैं ये वाला ड्रेस पहन के रेडी हो गई हूँ, लाल लाल, माता जी को भी लाल पसंद है तो मैं लाल ही कुर्ती पहनी हूँ। ये मेरा आज का लुक। और आप सबको तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद बोलती हूँ, आप सब मेरे ब्लॉग में ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, मेरे शॉर्ट्स वीडियो को सपोर्ट करते हैं, वैसे मेरे ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए गाइस। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए जैसे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।